brought to you by Bank of India. Prime Minister will be visiting the US from the 21st to the 23rd of September. अभी आप भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री को सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका में रहेंगे। यूं तो उनको पहले जनरल असेंबली यानी यूएनजीए की सालाना बैठक में हिस्सा लेने जाना था, मगर इन मौके पर शेड्यूल बदल गया क्योंकि अमेरिका को क्वाड समिट करनी थी, इसलिए उसने भारत से मेजबानी बदली, फिर पीएम मोदी को न्योता दिया। अब अमेरिका दौरे का फोकस क्वाड पर है। हालांकि कहानी यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, कई पहलू हैं जो इस दौरे में छाए रहेंगे। मसलन, डेढ़ महीने बाद होने वाला राष्ट्रपति चुनाव, लेबनान में जंग की आशंका, रूस यूक्रेन जंग में मध्यस्थता। तो आज के शो में हम जानेंगे पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में क्या खास है और इस दौरे का भारत अमेरिका संबंधों पर कैसा असर होगा। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की। पहले शेड्यूल जान लेते हैं। 21 सितंबर के सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए उड़ान भरेंगे। उनका प्लेन डेलावेयर के विल्मिंगटन में उतरेगा। डेलावेयर जो बाइडेन का होम स्टेट है, वो वहीं पर क्वाड समिट होस्ट कर रहे हैं। इसमें बाइडेन और मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी का समिट से इतर बाइडेन, अल्बनीज और किशिदा से द्विपक्षीय बातचीत का कार्यक्रम भी है। 22 सितंबर को पीएम मोदी न्यूयॉर्क जाएंगे। वहां वो नसाऊ काउंटी में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इसमें 15,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बनकर अमेरिका गए थे, तब उन्होंने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में रैली की थी। दूसरे कार्यकाल में टेक्सास में हाउडी मोदी हुआ और अब तीसरे कार्यकाल में नसाऊ काउंटी में कार्यक्रम हो रहा है। जब भी पीएम अमेरिका या दूसरे किसी देश का दौरे पर जाते हैं, वो अमूमन वहाँ भारतीय समुदाय को संबोधित करते हैं। अमेरिका में आम लोग इन इवेंट्स को कैसे देखते हैं, इसका असर क्या होगा, अमेरिका में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा से समझते हैं। थोड़ा समय पीछे जाना होगा कि एक समय था कि यहाँ पे मैं खुद इतने सालों से यहाँ पे हूँ, इंडिया को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था और हम सिविल न्यूक्लियर डील से पहले न्यूक्लियर टेस्ट पे भी जा सकते हैं। उसके बाद तो एक तरह से हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे और वो बहुत मेहनत की है डायस्पोरा ने भारत के साथ संबंध सुधारने में, और ये प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, ये एम जयशंकर खुद कहते हैं कि डायस्पोरा ने बहुत अहम भूमिका निभाई है अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारने में। प्रधानमंत्री जब यहाँ आते हैं तो वो ऑब्वियसली इस बात का जिक्र करते हैं, शायद जब संडे को उनका डायस्पोरा इवेंट होगा फिर से इस बात के जिक्र करेंगे। तो आई थिंक डायस्पोरा बहुत एक्टिव है पॉलिटिकली अमेरिका में, और जो भारत की सरकार रही है उसने इसको मोबिलाइज जरूर किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की एक फॉलोइंग भी है। 2008 के बाद से अगर आप देखें तो एक डिसअपॉइंटमेंट थी भारतीयों में, स्पेशली इफ यू गो बैक टू जिस तरह से मुंबई में अटैक्स हुए थे और उस समय जिस तरह भारत का रिस्पॉन्स था, 3 दिन तक हम टेररिस्ट को पकड़ नहीं पाए थे एंड इट वॉज एम्बैरेसिंग सिचुएशन कि यहाँ पे जिस तरह की रिपोर्ट्स छप रही थी कि इतने इनएप्ट कैसे हो सकते हैं भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज की, 3 दिन तक ये अटैक चलता रहा। उसके बाद हमने देखे बार बार जिस तरह के स्कैम्स भारत में आते रहे, उभरते रहे। तो आई थिंक आफ्टर यू नो द प्राइम मिनिस्टर केम इनटू द ऑफिस, काफी बदलाव हुए हैं भारत में। लॉट ऑफ पीपल टेक प्राइड इन दैट कि भारत में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हुए हैं, जिस तरह से डिजिटल पेमेंट की बात हुई है, जिस तरह से बेसिक सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई गई, आई थिंक तो अ लॉट ऑफ पीपल टेक प्राइड इन दैट। 22 सितंबर को ही पीएम मोदी अमेरिका की दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे। 23 सितंबर को वो यूएन के समिट ऑफ द फ्यूचर में अपनी बात रखेंगे। इसके बाद वो भारत वापस लौट आएंगे। पहले पीएम मोदी जनरल असेंबली को भी संबोधित करने वाले थे, मगर अब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 28 सितंबर को संबोधन देंगे। चूंकि अमेरिका दौरे के केंद्र में क्वाड समिट है, इसलिए इसके बारे में जान लेते हैं। क्वाड का पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये 4 देशों का संगठन है। कौन से 4 देश? वो है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। वे इस प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य जैसे मसलों पर बात करते हैं। चीन क्वाड को एशियाई नेटो की संज्ञा देता है। जानकार इस तुलना को भ्रामक बताते हैं। क्वाड शुरू कैसे हुआ? तारीख थी 26 दिसंबर 2004। हिंद महासागर में भयंकर सुनामी आई। इसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। करोड़ों लोग इसमें प्रभावित हुए। उस दौर में श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षा ने भारत की राजदूत निरुपमा राव को फोन कर मदद मांगी।
राजपक्षा के कॉल के 12 घंटे के अंदर भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर्स राहत सामग्री के साथ श्रीलंका में थे। इसके बाद नौसैनिक जहाजों ने मोर्चा संभाला। 24 घंटे में भारत ने इंडोनेशिया में भी मदद भेज दी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 32 भारतीय जहाज और लगभग 5500 सैनिक शामिल हुए। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की तारीफ हुई। 29 दिसंबर 2004 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ऐलान किया कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय गुट बनाएंगे। इसका मकसद सुनामी में पानी में फंसे लोगों को बचाने, राहत पहुंचाने और बेघर लोगों के पुनर्वास पर होगा। इसके अलावा बिजली, कनेक्टिविटी और बंदरगाहों को बहाल करने में भी मदद की जाएगी। मिशन खत्म होने के बाद एक नया ढांचा क्वाड के तौर पर सामने आया। इसका शाब्दिक अर्थ है चार लोगों के बीच सुरक्षा को लेकर संवाद। 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने औपचारिक अमली जामा पहनाने का प्रस्ताव दिया। कुछ वक्त बाद ही ऑस्ट्रेलिया इस गुट से अलग हो गया। कारण था चीन का बढ़ता दबाव। हालांकि 2010 में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच सैन्य साझेदारी बढ़ी, फिर ऑस्ट्रेलिया की वापसी हुई। 2013 में शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने। उन्होंने वन बेल्ट वन रोड OBOR की शुरुआत की। इसके तहत चीन ने शिपिंग रूट पर कंट्रोल करने पर जोर दिया। जैसे जैसे इंडो पैसिफिक में चीन का दखल बढ़ा, तब क्वाड की जरूरत बढ़ी। 2017 में शिंजो आबे ने क्वाड को झाड़ पहुँच कर बाहर निकाला। आसियान समिट के दौरान भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से बात की, तब क्वाड को एक्टिव करने पर सहमति बनी। 2019 में चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। तब से मिनिस्टर लेवल की बैठक हर साल हो रही है। फिर 2020 में दो बड़ी घटनाएं घटी। पहला, चीन के वुहान से कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैली। दूसरा, गलवान में भारत और चीन के बीच हिंसक भिड़ंत हुई। कई जानकार मानते हैं कि गलवान संघर्ष के बाद भारत ने क्वाड में भागीदारी बढ़ाने का इरादा किया। इसी तरह शीर्ष नेताओं के स्तर पर बातचीत की शुरुआत हुई। उनके बीच पहली मीटिंग मार्च 2021 में हुई। औपचारिक तौर पर पहली लीडर्स समिट सितंबर 2021 में अमेरिका में आयोजित की गई। दूसरी लीडर्स समिट मार्च 2022 में हुई, वर्चुअल मोड में। तीसरी समिट मई 2022 में टोक्यो में हुई। चौथी समिट मई 2023 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी। शेड्यूल तय हो चुका था। जापान के हिरोशिमा में G7 समिट के बाद चारों नेता ऑस्ट्रेलिया में क्वाड में हिस्सा लेने वाले थे, मगर एन मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को वापस लौटना पड़ा। इसके चलते क्वाड समिट को रद्द करना पड़ा। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय बातचीत के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे। अगली क्वाड समिट के लिए जनवरी 2024 का महीना चुना गया। इससे पहले भारत ने जो बाइडेन को रिपब्लिक डे परेड का न्योता दिया। प्लान ये था कि बाइडेन के साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं को भी बुला लिया जाएगा, फिर यहीं पर क्वाड की मीटिंग कर ली जाएगी। लेकिन इस बार भी बाइडेन नहीं आए, जिसके चलते समिट का प्लान कैंसिल करना पड़ा। जिस तरह लीडर्स समिट कैंसिल हो रही थी, उससे लगा कि क्वाड की प्रासंगिकता घट रही है, मगर बाइडेन ने जाते जाते इसको जिंदा करने का मन बनाया। आनन फानन में मेजबानी बदली गई। दरअसल 2024 की क्वाड समिट की मेजबानी भारत के पास थी। अमेरिका ने कहा, इस साल हमारे यहाँ मिली है, अगला बरस आपका। इस तरह लीडर्स समिट का प्लान तैयार हुआ। हमने इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से पूछा कि बाइडेन अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में क्वाड पर जोर क्यों दे रहे हैं और इस बार की क्वाड समिट में क्या खास होने वाला है। देखिए, कैंसिल होने की वजह ये नहीं है कि कोई नाराज है या कोई खफा है। ये बड़े प्योरली टाइमिंग को लेकर था। भारत को पिछले साल ही होस्ट करना था, लेकिन वो होस्ट नहीं कर पाए क्योंकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो नहीं ट्रैवल कर पा रहे थे। 26 जनवरी के अराउंड बहुत कुछ चल रहा था, उनके खुद के मिड टर्म्स थे, बहुत पॉलिटिकल मूवमेंट था, तो इसलिए वो नहीं आ पाए। जापानीज़ पार्लियामेंट में, मतलब जापान में इलेक्शंस हो रहे थे, तो जापान या पार्लियामेंट्री सेशन पार्लियामेंट सेशन में था, इसलिए जापानीज प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, तो डेट्स मैच नहीं हो रहे थे। बस एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कन्फर्म कर दिया था, वो थे एंटनी अल्बनीज़ी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जब वहाँ पर उनको वैसे ही जाना था जापान में एक विज़िट के लिए, और उस विज़िट के दौरान क्वाड समिट भी होस्ट किया गया। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें, भारत नहीं कर पा रहा क्योंकि बाइडेन आ नहीं सकते। भारत भी लेम डक हैं, आखिरी दौर में हैं और इलेक्शंस बिल्कुल अपने हाइट पर है US में, तो वो ट्रैवल नहीं करने वाले। अगर वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं तो क्वाड समिट भारत फिर से होस्ट नहीं कर पाता, लेकिन वो एक साल मिस नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए UNGA के दौरान जब वहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री जाने ही वाले थे और बाकी सारे लीडर्स भी पहुँचने ही वाले थे, इसीलिए
फिर से अमेरिका होस्ट कर रहा है क्वाड समिट को यूएनजी के साइडलाइंस में, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनफैक्ट जल्दी जा रहे हैं, वो क्वाड समिट करेंगे और जो यूएनजीए है वो डॉक्टर जयशंकर एड्रेस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने दिन तक अमेरिका में नहीं रहने वाले। समिट के दौरान चारों देश कैंसर मूनशॉट प्रोग्राम को मजबूत करने के लिए भी चर्चा करेंगे। ये क्या है? इस प्रोग्राम के तहत कैंसर के रोकथाम और इलाज पर काम किया जा रहा है। इसमें इलाज के नए तरीकों और दवाइयों के लिए रिसर्च प्रोग्राम्स चलते हैं। इसको 2016 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शुरू किया था। इसमें जो बाइडेन का बड़ा योगदान था। उस समय बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ये प्रोग्राम बाइडेन के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनके सबसे बड़े बेटे प्यू बाइडेन की 2015 में कैंसर से मौत हो गई थी। इसमें क्या क्या होगा? क्वाड देश कैंसर से संबंधित डेटा शेयर करेंगे। चारों देशों में नए रिसर्च सेंटर्स खोले जाएंगे। कैंसर के इलाज और रोकथाम के लिए फंड जुटाया जाएगा। अब सवाल यह है कि इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा? भारत में हर साल लाखों लोग कैंसर से मारे जाते हैं। 2023 में भारत में कैंसर के 14 लाख से ज़्यादा केस थे। ऐसे अनुमान है कि 2020 की तुलना में 2025 में कैंसर से होने वाली मौत 13% तक बढ़ जाएगी। इस प्रोग्राम से भारत को काफ़ी मदद मिलेगी। कहा जा रहा है कि इस बार पीएम मोदी का इस पर फोकस रहेगा। क्वाड रैली और रेगुलर मीटिंग्स के अलावा और क्या क्या हो सकता है इस दौरे में, ये समझने के लिए आपको दो घटनाओं पर गौर करना होगा। पहला, अमेरिकी कोर्ट का समन। पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले एक अमेरिकी कोर्ट ने भारत सरकार को समन भेजा है। ये खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपों से जुड़ा है। इसमें भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित कई अन्य लोगों के नाम दर्ज है। वैसे तो भारत ने इसकी आलोचना की है, लेकिन इस समन का पीएम मोदी की यात्रा पर क्या असर पड़ेगा? क्या पन्नू मामले की चर्चा इस दौरे में हो सकती है? देखिए, मोदी का जो पिछला दौरा था और उसके बाद जितनी मुलाकातें हुई हैं उन सब में पन्नू का मामला उठकर आया था। तो ये कह नहीं सकते हैं कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उनमें पन्नू मामले को लेकर खटास ज़्यादा पैदा होगी या फिर रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। ये एक कंटेंशियस इशू ज़रूर है और क्योंकि मामला कोर्ट में है तो ये अमेरिकन गवर्नमेंट के दायरे से बाहर है। जो कोर्ट्स कह रही है, जो कोर्ट्स के पास डिटेल्स है, जो व्हाट्सएप चैट्स के डिटेल्स हैं उसके बिना पर और पन्नू के खुद के लॉयर्स के बिना के प्ली के बिना पर ये समन्स दिए गए हैं भारत सरकार को। भारत सरकार ने ऑलरेडी इसे अनवॉरेंटेड कह दिया है और कहा है कि अनसब्सटैंशिएटेड है, जो भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है, ऑफिशियल पोजिशन है। इंटरनली ये बातचीत चलती रहेगी। हाँ, ये कहीं ना कहीं एक टेंशन का मुद्दा ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पॉर्टेंट मुद्दों को लेकर या डिसीजंस को लेकर इस केस का कोई इम्पैक्ट डील्स या इम्पॉर्टेंट डिसीजंस पर होगा। दूसरी घटना थी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। इस इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मोदी एक शानदार नेता हैं और उनके दौरे पर वो उनसे मिल सकते हैं। जब विदेश मंत्रालय से इस बारे में पूछा गया, उन्होंने पुष्टि करने से मना कर दिया। चर्चा है कि बीच में ट्रंप के ट्रेड डेफिसिट वाले बयान को लेकर फ्रिक्शन पैदा हुआ। हमने गीता मोहन से पूछा, पीएम मोदी और ट्रंप की मीटिंग को लेकर क्या अपडेट्स हैं? देखिए, चाहे किसी भी इशू को लेकर फ्रिक्शन पैदा हुआ हो या नहीं, ऐसा नहीं है कि भारत अमेरिका के साथ रिश्ते नहीं बनाएगा या एंगेज नहीं करेगा। जो भी वहाँ पर राष्ट्रपति बनने वाला है वो एंगेजमेंट उस लीडर के साथ ज़रूरी है। ये देखना ज़रूरी है कि भारत ने इस वक्त अभी कंफर्म करने से मना क्यों किया, क्योंकि मुझे लगता है ये कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर मिलेंगे तो कमला हैरिस को भी मिलना है। तो शायद बातचीत दोनों साइड से थी कि मुलाकात के लिए, लेकिन अभी तक कमला हैरिस कैंप से कॉन्फर्मेशन नहीं आया है, तो इसीलिए शायद MEA कोई मीटिंग कंफर्म नहीं कर रही। लेकिन ट्रंप से मिले और कमला हैरिस से ना मिले तो ये बहुत ख़राब दिखेगा। बाइडेन से मिल रहे हैं तो शायद कोशिश ये है कि दोनों लीडर्स, दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से मिले, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो एक से भी शायद ना ही मिले। तो अभी ट्रंप को लग रहा है, क्योंकि उनको शायद ये न्योता आया और उनको लग रहा है कि हाँ, मुलाकात होने वाली है और शायद हो भी जाएगी, क्योंकि अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो मना करना मुश्किल है। लेकिन आई थिंक कोशिश ये थी कि दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से मुलाकात हो। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के बिना इस दौरे की चर्चा अधूरी रह जाएगी। अमेरिका में 5 नवंबर को वोटिंग होनी है। इस चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन उम्मीदवार नहीं है, यानी बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन की पीएम मोदी से आखिरी मुलाकात हो सकती है।
एक्सपर्ट से समझते हैं बाइडेन के कार्यकाल में भारत अमेरिका के संबंधों में कैसा बदलाव हुआ, मतलब ये संबंध कैसे रहे, भारत को लेकर बाइडेन की लेगेसी क्या रही। देखिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने जब वो आए थे चुनके, यू नो वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स जिनको उन्होंने फोन किया था वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये अपने आप में दर्शाता है कि इंडिया कितना इम्पोर्टेंट था उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनके खुद के लिए। उन्होंने, मुझे याद है, पहले ही अपने मीटिंग में प्रेसिडेंट बाइडेन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ कहा था कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप इज द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप ऑफ दिस सेंचुरी, और वो दर्शाया भी है। उन्होंने देखा मल्टीपल क्वाड एंगेजमेंट्स हुई है उनके कार्यकाल में, वो G20 में आए, G20 में एक अगर लोगों को याद हो तो एक बहुत कमोशन था कि जॉइंट स्टेटमेंट G20 से होगा नहीं होगा, चाइना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, और अमेरिकन्स ने काफी कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज किया और काफी अपने टॉकिंग पॉइंट्स उन्हें हटाया था ताकि एक विन मिल सके भारत को और प्रधानमंत्री मोदी को। तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट बाइडेन के अंदर भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं और मजबूत हुए हैं। इनफैक्ट अभी ये जो क्वाड समिट हो रहा है, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है, अभी भी प्रेसिडेंट बाइडेन की ये इच्छा थी कि उनके कार्यकाल में एक और मीटिंग हो। लॉजिस्टिकली ये पॉसिबल हो पा रहा था कि यूनाइटेड नेशंस के साइडलाइंस में मीटिंग हो, तो उन्होंने और व्हाइट हाउस ने इनिशिएटिव लेके ये जो क्वाड समिट होने वाली है सैटरडे को, उसको इसका इनिशिएटिव लिया। और आप देखेंगे कि इस क्वाड समिट के बाद भी जो आउटकम्स निकलने वाले हैं वो काफी सब्सटेंशियल होंगे। वो अपनी एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं इंडो यूएस रिलेशनशिप पे, क्वाड पे खासकर। उन्होंने कभी भी चाइनीज थ्रेट से घबराए नहीं है प्रेसिडेंट जो बाइडेन बोलने से। हमने देखा है वो ताइवान का मुद्दा हो, साउथ चाइना सी का मुद्दा हो, या इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी हो, आई थिंक ये बहुत क्लोज रही है प्रेसिडेंट बाइडेन के और इस एडमिनिस्ट्रेशन के। तो मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलेंगे, उनकी एक बायलैटरल भी होगी और क्वाड समिट भी होगी, तो हमें और एक अगेन कॉन्सिक्वेंशियल मीटिंग होगी, एक लेगेसी छोड़ना चाहेंगे प्रेसिडेंट जो बाइडेन, और आने वाले समय तक के लिए कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स करेंगे जिससे भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो हमें और मजबूत होते हुए देखने को मिलेंगे। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में से कोई एक अमेरिका का राष्ट्रपति बनने जा रहा है, दोनों की इंडिया पॉलिसी में क्या अंतर दिख सकता है, भारत के लिए कौन ज्यादा मुफीद हो सकता है? देखिए भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है, इट इज यू नो इररिस्पेक्टिव कोई भी हो पावर में, हमने ये देखा है स्पेशली ओबामा के दूसरे कार्यकाल से। हमने देखा है कि ओबामा थे, फिर ट्रंप आए, फिर बाइडेन आए, भारत और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है इसे बायपार्टिसन सपोर्ट है अमेरिका में, व्हाइट हाउस में भी जो भी राष्ट्रपति रहा हो, कैपिटल हिल पे, सेनेट में, हर जगह से आई थिंक ये एक रिकग्निशन है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इसे हम उसी तर्ज पे देख सकते हैं जिस तरह से हम यूनाइटेड किंगडम की रिलेशनशिप देखते हैं, या जो ओल्ड एलाइज जिन्हें कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया की रिलेशनशिप देखते हैं अमेरिका से। आई थिंक हमने वो मुकाम हासिल कर लिया है अमेरिका के साथ कि व्हाइट हाउस में भले ही किसी भी पार्टी का प्रेसिडेंट हो, भारत के साथ रिश्ते हमेशा मजबूत रहेंगे। चैलेंजेस थे जब प्रेसिडेंट बाइडेन राष्ट्रपति बने, तो काफी चैलेंजेस थे। हमने देखा स्टेट डिपार्टमेंट कभी कभी कुछ टिप्पणी कर देता है जिसकी निंदा भी की जाती है भारत में, लेकिन बावजूद उसके आप देखिए कि रिश्तों में कभी खटास नहीं आई। और मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगर चुन के आ भी जाते हैं या वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस चुन के आती है, तो वी विल सी अ कंटिन्यूटी इन द रिलेशनशिप। हाँ, ये उनका जो तरीका है शायद प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो शायद थोड़ा सा अलग हो सकता है, वो थोड़ा नॉन ट्रेडिशनल तरीका है जिससे अब तो भारत भी वाकिफ है, पूरी दुनिया वाकिफ है कि किस तरह से ट्रंप जो है डिप्लोमेसी को हैंडल करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप भी आते हैं तो हमारी जो संबंध है अमेरिका के साथ, मुझे लगता है वो और मजबूत होंगे। इनफैक्ट मैं लोगों को ये भी याद दिलाऊं कि जो हमने बड़े बड़े डिफेंस अग्रीमेंट साइन किए थे गलवान के बाद, उस समय राष्ट्रपति जो थे वो प्रेसिडेंट ट्रंप थे, उन्होंने कहा था कि इन्हें इंटेलिजेंस दीजिए, इन्हें जो भी सर्वेलेंस के लिए इक्विपमेंट चाहिए वो दीजिए, बैका को साइन किया गया था, तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप के अंडर हुआ था। तो वी हैव वेरी गुड बायपार्टिसन सपोर्ट फ्रॉम बोथ द पार्टीज, और अगर ट्रंप आते हैं या कमला हैरिस भी आती है, तो मुझे लगता है कि एक कंटिन्यूटी हमें देखने को मिलेगी भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में। अमेरिका में भारतीय डायस्पोरा कितना अहम है, राष्ट्रपति चुनाव में उनकी क्या भूमिका रहती है? देखिए अमेरिका में काफी एस्टिमेट्स हैं, और क्योंकि आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है भारतीयों की, लेकिन ये है कि हम लोग ओवरप्ले, हम लोग हमारा जो जो कार्ड है वो ओवरप्ले नहीं करते, समटाइम्स वी अंडरप्ले इट। जहां तक भारतीयों का सवाल है, देखिए जो स्विंग स्टेट्स हैं स्पेशली,
उनमें मुझे लगता है कि क्योंकि वोट ऑफ विक्ट्री सॉरी मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है बहुत कम रही है, विस्कॉन्सिन में 10,000, जॉर्जिया में 12,000, तो मुझे लगता है हम लोग हमारा जो वोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली इन दो स्टेट्स। अब पिछले चुनाव और अभी के चुनाव में 4 साल हो चुके हैं, काफी लोग शायद ऐड हो गए होंगे या निकल गए होंगे उस स्टेट से, लेकिन भारतीयों की संख्या बड़ी है इन स्विंग स्टेट्स में। और इसीलिए हमने देखा कि 2 दिन पहले ही कमला हैरिस की कैंपेन ने एक एडवर्टाइजमेंट लॉन्च की जिसका नाम है माई मदर, और वो जितने भी न्यूज न्यूज चैनल्स हैं या चैनल्स हैं जो अमेरिका में जो एथनिक जिन्हें माना जाता है, जिसमें भारत के भी कई चैनल्स हैं, उन पे भी उनकी वो एडवर्टाइजमेंट आ रही है। तो इट क्लियरली शोज कि दोनों कैंपेन को ये जरूर पता है कि भारतीय अमेरिकन वोट्स प्लस भारतीय अमेरिकी डोनर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चुनाव में। और हमने देखा है कि पिछले स्पेशली आई वुड से 2012 से अब तक हमने एक बहुत बड़ा जंप देखा है जिस तरह से दोनों कैंपेन आउटरीच कर रही है भारतीयों को। तो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, काफी क्रूशल बैटल ग्राउंड स्टेट्स में शायद वोटिंग क्रूशल हो सकती है, और मैं काउंटी स्पेसिफिक भी कह सकता हूँ शायद, जैसे जो सबर्ब्स हैं पेंसिल्वेनिया के, फिली के बाद आसपास एलन टाउन, वहां पे पेंसिल्वेनिया में बहुत इंपॉर्टेंट वोट्स, नॉर्दर्न वर्जीनिया जैसे वर्जीनिया का एक हिस्सा है जहाँ पे लॉर्डन काउंटी है, फेयरफैक्स काउंटी है, इनमें इनमें इनके वोट्स, नॉर्थ कैरोलिना में जो वेक काउंटी है, कैरी जो एरिया है, राले एरिया है, आई थिंक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वोट्स हैं भारतीयों के। और आई थिंक बोलना नहीं चाहिए पर हो सकता है इट माइट कम डाउन टू दोज वोट्स, और इसलिए दोनों कैंपेन भारतीयों को और भारतीय वोटर्स को बहुत सीरियसली ले रही है। अब भारतीय प्रधानमंत्रियों के अमेरिका दौरे का इतिहास देख लेते हैं। इस दौरे के साथ ही मोदी सबसे ज्यादा बार अमेरिका जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये उनका 9वां दौरा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल में 8 बार अमेरिका गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी बतौर प्रधानमंत्री 4 दफे अमेरिका के दौरे पर गए थे। राजीव गांधी 3 बार, इंदिरा गांधी भी 3 बार अमेरिका गई थी। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कुल 4 बार अमेरिका गए थे। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां जान लेते हैं। पहली सुर्खी श्रीलंका से आई है। श्रीलंका अपने इतिहास का 10वां राष्ट्रपति चुनने के लिए तैयार है। 21 सितंबर को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। इसमें लगभग 1,80,00,000 मतदाता वोट डालेंगे। वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद मतगणना कराई जाएगी। 22 सितंबर तक नतीजे आने की उम्मीद है। मुख्य उम्मीदवार कौन है? चुनाव आयोग ने 39 लोगों के नाम पर मुहर लगाई है। उनमें से एक की मौत हो चुकी है। अब रेस में 38 उम्मीदवार बचे हैं। असली मुकाबला 3 लोगों के बीच है। रनिल विक्रमसिंघे मौजूदा राष्ट्रपति हैं। 2022 में गोटबाया राजपक्षा के भागने के बाद वो राष्ट्रपति बने थे। दूसरा नाम सजित प्रेमदासा का है। ये विपक्षी नेता हैं। उनके पिता रणसिंघे प्रेमदासा भी राष्ट्रपति रहे। कोलंबो का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उन्हीं के नाम पर है। तीसरे प्रबल दावेदार हैं अनुरा कुमारा दिसानायके। वो मार्क्सिस्ट विचारधारा के हैं। उनकी पार्टी जनता विमुक्ति पेरामुना JVP 2022 के प्रोटेस्ट के बाद चर्चा में आई थी। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत की संभावना जताई जा रही है। ये भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है क्योंकि JVP हमेशा से प्रो चाइना रही है। श्रीलंका में राष्ट्रपति का पद 1972 में बनाया गया था। उस वक्त उनके पास मतलब राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां थी। 1978 में राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ाई गई। आज के समय में राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट के साथ साथ कार्यपालिका के मुखिया भी होते हैं। उनके पास प्रधानमंत्री से ज़्यादा शक्तियाँ होती है। कैसे होता है श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव? श्रीलंका की आबादी 2,22,00,000 है। 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला है। वोट डालने के लिए उन्हें चुनाव आयोग में नाम रजिस्टर कराना होता है। वोटर्स अपनी पसंद के हिसाब से 3 उम्मीदवारों को रैंकिंग दे सकते हैं। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में 38 उम्मीदवार हैं। मतदाता उनमें से 3 को चुन सकते हैं। सबसे ज्यादा पसंद को पहले नंबर पर, उससे कम पसंद करने वाले को दूसरे, और फिर तीसरे को। अब आप पूछेंगे रैंकिंग क्यों? श्रीलंका में राष्ट्रपति बनने के लिए 50% से ज्यादा वोटों की दरकार होती है। मान लीजिए अगर पहले राउंड की वोटिंग में किसी कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले, तब टॉप के 2 कैंडिडेट्स को छोड़कर बाकियों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। फिर दूसरे राउंड की काउंटिंग शुरू होती है। उसमें एलिमिनेटेड कैंडिडेट्स के वोटों की रैंकिंग चेक की जाती है। अगर प्रेफरेंस में बचे हुए कैंडिडेट का नाम मिलता है तो वोट उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी जान लेते हैं, जो लेबनान से आई है। 19 सितंबर को हिजबुल्ला के सरगना हसन नसरल्ला ने संबोधन दिया। बोला, दुश्मन ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं, जंग का ऐलान है। تم استهداف من قبل عدو الإسرائيلي تم استهداف آلاف أجهزة البيجة وتم تفجيرها في وقت واحد العدو تجاوز في هذه العملية كل الضوابط
والقوانين والخطوط الحمراء، لم يكترث لأي شيء على الإطلاق، لا أخلاقيا ولا إنسانيا ولا قانونيا. إبادة جماعية، عدوان كبير على لبنان وشعبه ومقاومته وسيادته وأمنه، جرائم حرب أو إعلان حرب. पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद नसरल्ला का ये पहला सार्वजनिक बयान था। 17 सितंबर को लेबनान में 3000 से ज़्यादा पेजर्स और 18 सितंबर को सैकड़ों वॉकी टॉकीज में धमाके हुए थे। आमतौर पर इनका इस्तेमाल हिजबुल्ला के सदस्य करते हैं, लेकिन कुछ आम लोग भी धमाकों की चपेट में आए। कुल जमा 37 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 4000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। हिजबुल्ला ने इसका आरोप इसराइल पर लगाया था। माना जा रहा था कि नसरल्ला इसराइल के खिलाफ जंग की घोषणा कर सकता है, लेकिन उसने इससे परहेज किया। जिस वक्त नसरल्ला का भाषण हो रहा था, उसी वक्त इसराइल के फाइटर जेट्स लेबनान की राजधानी बेरूत के ऊपर उड़ रहे थे। ये चेतावनी देने के इरादे से किया गया था। इसराइल लेबनान बॉर्डर पर अभी भी तनाव बना हुआ है। नसरल्ला के संबोधन के कुछ घंटे बाद ही इसराइल ने साउथ लेबनान में जबरदस्त बमबारी की। 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स और एक वेपन्स डिपो को उड़ाने का दावा किया। हिजबुल्ला ने भी कुछ रॉकेट्स इसराइल में दागे। दुनिया भर के देश संयम बरतने की अपील कर रहे हैं, मगर इस वक्त सारी अपील बेमानी साबित हो रही है। तो आज का दुनियादारी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज का शो लिखा था मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया।